हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 7 से, चैप्टर नंबर 11, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो अब हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ लिया, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ लिया, इसी वजह से मैंने पहले कौन सा चैप्टर उठाया है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, कि न्यूट्रिशन के साथ साथ हाथ किया था आप लोग ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ लो। ठीक है, तो अब देखो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, बेसिकली हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे, और किस किस चीज की होती है, फूड, वाटर, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, इन सब चीजों की ट्रांसपोर्टेशन होती है हमारी बॉडी में। अब इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स हमारी बॉडी में वर्क करते हैं, बहुत 10 टाइप के सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 लिखे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, अब इसमें से आपके सिलेबस में बस 2 ही सिस्टम्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, ब्लड हमारी बॉडी में ट्रैवल करता है फ्रॉम हेड टू टो, कैसे ट्रैवल करता है, क्या क्या चीजें कैरी करता है, ब्लड में क्या क्या कॉम्पोनेंट, मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, ये सब कुछ हमें इस सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम और तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इस वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या वर्क करता है, कि हम इनहेलेशन करते हैं, लाइक ब्रीथ लेते हैं, तो ब्रीथ हमने ली, उसके बाद वो कहाँ कहाँ से ट्रैवल करी, कहाँ कहाँ पे गई, फिर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली हमारी बॉडी में से, ये बेसिकली उस चीज के ऊपर होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो ये होता है कि लाइक जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल रह जाता है वो एक्सक्रीट कैसे होता है, कैसे कैसे एब्जॉर्प्शन होती हैं, क्या क्या चीजें जो रह जाती हैं अनडाइजेस्टेड वो एब्जॉर्ब होती हैं, देन उसके बाद फीकल मैटर कैसे एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ये बेसिकली इस चीज को होता है। ओके, तो अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्कुलेटरी सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, सारा एक ही वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। लाइक फर्स्ट वीडियो में सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड वाला पार्ट ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्लड, अब ब्लड आता है हमारी बॉडी में, कि ब्लड क्या होता है भाई, खून। ठीक है, कोई भी चोट लग जाती है खून निकलता है हमारी बॉडी से, ये सब कुछ एंड ऑल, बट वो ट्रैवल कहाँ से करते हैं, कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी में, वो जो ब्लड होता है इनसे ट्रैवल करता है, लाइक ब्लड वेसल्स से। ये 3 टाइप्स की होती हैं, वो हम ब्लड वेसल्स वाले पार्ट में पढ़ेंगे, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज होती हैं, वो हम ब्लड वेसल्स वाले पार्ट में डिटेल पढ़ेंगे, अभी ब्लड पे फोकस करते हैं। उसके बाद ये क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट करता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये 3 पॉइंट्स लिख रहे हैं, कि ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में या और अनदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में, और ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फिर वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम बॉडी। तो देखो इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी, ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम बॉडी, ये 3 इसके फंक्शंस होते हैं कि ये क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट करता है, कौन, ब्लड। ठीक है, अब ब्लड के कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं, द मेजर कॉम्पोनेंट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड में होता है, मेजर कंपाउंड, एंड बाकी होते हैं ये 3 आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बीसी एंड प्लेटलेट्स। अब इनकी कुछ फुल फॉर्म होती है, ये आपको याद रखनी है, आरबीसी की रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी की व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा को यहां से रिलेट करते हैं कि आप लोगों ने सेल वाला चैप्टर पढ़ा है, आई होप इतना सबको पता होगा सेल के बारे में,
कि एक सेल होता है तो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और यहाँ यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। ये क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस और ये अंदर होता है साइटोप्लाज्म। बाकी की जो सेल ऑर्गेनलीज होती हैं वो इस साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होती हैं। तो क्या हम ब्लड में मेजर कंपोनेंट प्लाज्मा को जो मान रहे हैं उसको साइटोप्लाज्म से कंपेयर कर सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्म का काम करता है? जो जो काम साइटोप्लाज्म का सेल में होता है वही सेम काम प्लाज्मा का ब्लड में होता है। प्लाज्मा जो ब्लड होता है वो मेजॉरिटी ऑफ प्लाज्मा से बना होता है, लाइक बहुत सारा फ्लूइड, ठीक है, और जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज प्लाज्मा? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड। ब्लड जिस फ्लूइड से बना होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। अब बाकी के तीन और कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, आरबीसी। अब ये जो तीनों ही कंपोनेंट्स हैं, लाइक सारे ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी ब्लड के लिए, हमारी बॉडी के लिए। अब आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स होती है, ठीक है। ब्लड रेड होता है वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से हमारा ब्लड रेड होता है, ठीक है। कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, फर्स्ट लाइन इज दिस, एंड हाँ ओनली फर्स्ट लाइन इज दिस, ओके सॉरी, कंटेन अ रेड पिगमेंट जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट होता है जो हमारा ब्लड कंटेन करता है, और किस में कंटेन करता है? आरबीसी में कंटेन करता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है उसका मेन काम होता है कि ऑक्सीजन जब जैसे ही हमारी बॉडी में आए वो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से बाइंड अप कर ले, मतलब कि बॉन्ड बना ले, ताकि अच्छे से सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, मतलब ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो सके ये जो ब्लड है, ठीक है। वरना अगर ये बाइंड नहीं करेगा, अगर ये बॉन्ड नहीं बनाएगा ऑक्सीजन से, तो क्या होगा? मतलब कि अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अच्छे से बाइंड अप नहीं करेगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो क्या होगा? हमारे सारे पार्ट्स को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑल सेल्स एंड बॉडी। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली इफ इट इज नॉट बाइंडेड टू हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं होगी तो एफिशिएंटली, मतलब कि जितना हमारे पार्ट्स को चाहिए उतना हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ओके, रीजनिंग समझ में आ गई, आरबीसी की फुल फॉर्म याद हो गई यहीं से, ठीक है। अब इसका ये जो रेड पिगमेंटेशन होती है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होती है, ये चीज भी याद रखना, वन मार्कर में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट इज डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, अब इनका क्या काम होता है? बेसिकली नाम ही व्हाइट ब्लड सेल्स है तो व्हाइट ही है कलर में, कोई रीजन नहीं है कि क्यों व्हाइट है, ठीक है। तो अब इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है कि जो भी वायरस या कुछ भी बैक्टीरिया, जर्म, कुछ भी हमारी बॉडी में एंटर कर गया है बाय चांस, तो ये जो व्हाइट ब्लड सेल है उससे फाइट अप करता है, ठीक है। अभी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है तो आप लोगों ने सुना होगा कि जिनको कोरोना हो गया उनको कुछ मंथ्स तक कोरोना दोबारा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनके उनके बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज डेवलप करता है वो कौन करता है? ये जो व्हाइट ब्लड सेल होता है इसका काम होता है एंटीबॉडीज को डेवलप करना, ताकि जो जर्म्स हमारी बॉडी में है, जो वायरस हमारी बॉडी में आया है, बैक्टीरिया है या कुछ भी है अनदर चीज, तो उसको खत्म कर सके एंटीबॉडीज डेवलप करके। और वो एंटीबॉडीज कुछ महीनों तक हमारी बॉडी में जरूर रहती हैं, ताकि ये भी अलर्ट हो जाते हैं ना, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ भाई अब हमारे बॉडी में ऐसा वायरस आ चुका है, तो कुछ टाइम तक आ सकता है वो हमारी बॉडी में और,
जितनी भी इनकी मेमोरी होती है उसके हिसाब से ये याद रखते हैं डिजीज को. ओके, लास्ट इज प्लेटलेट. अब आप लोगों ने देखा होगा कि भाई चोट लगी, खून निकलना शुरू हो जाता है, बट कुछ ही देर में अगर चोट ज्यादा गहरी ना हो तो वो खून निकलना बंद भी हो जाता है ना. अब जैसे कि भाई किसी का अंगूठा कट गया, वो भी बहुत गहरा, उसका तो ब्लड निकलना बंद नहीं हो रहा, उसको स्टिचेस ही आने पड़ रहे हैं. ठीक है, तो उसकी बात मैं नहीं कर रही, वो एक एक्सेप्शनल केस है. बट आपको छोटी मोटी चोट लग गई, ठीक है, कुछ देर ब्लड फ्लो हुआ बट उसके बाद ब्लड नहीं निकल रहा, आपने देखा कि ब्लड एक जगह पे जम गया है, अब वो नहीं फ्लो हो रहा, ब्लड जो है हमारी बॉडी से बाहर नहीं आ रहा, तो उसका रीजन क्या है? प्लेटलेट्स, जो क्लॉटिंग होती है ब्लड की, क्लॉटिंग मतलब कि एक ही जगह पे जमा हो जाना. ठीक है, तो जो क्लॉटिंग होती है ब्लड की वो किससे होती है? थ्रू द प्लेटलेट्स. तो इसका फंक्शन क्या हो गया प्लेटलेट्स का? कि क्लॉटिंग करना आफ्टर एन इंजरी, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है. ठीक है, क्योंकि भाई देखो ब्लड सारे काम कर रहे हैं, ब्लड सारे काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एंटीबॉडी से फाइट कर रहा है, बट अब उसका क्या कि जो हमारे को चोट लग गई, बाहर निकले जा रहा है ब्लड, ऐसे तो लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा, है ना. तो उसके लिए एक और चीज है हमारे ब्लड में प्रेजेंट, दैट इज प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स हेल्प करती है ब्लड को क्लॉट करने में, एक जगह पे ब्लड को रोक देती है और ब्लड का फ्लो भी रोक देती है, ताकि ज्यादा ब्लड हमारी बॉडी से बाहर ना जा पाए. ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड लॉस होगा उतने ज्यादा हम वीक हो जाएंगे. वी नीड ब्लड टू ट्रांसपोर्ट एंड टू गेट एनर्जी, है ना, टू रिपेयर आर ऑर्गन्स. सो इसी वजह से प्लेटलेट्स का काम हमारी बॉडी में होता है. सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो में क्लियर हुआ होगा कि हमने क्या पढ़ा है. बेसिकली क्वेश्चंस किस चीज पे आ सकते हैं, यही स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सवाल होता है. एक तो कि ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर सकता है, 3 मार्कर्स में पूछा जा सकता है. देन कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड और उनको एक्सप्लेन करना या उनका फंक्शन बताना. तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड पता चल गए, अब उनका फंक्शन क्या है. जैसे प्लाज्मा का फंक्शन क्या हो गया कि भाई ब्लड तो बना ही इससे होता है. फिर इन तीनों के फंक्शंस आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, अच्छे से लिख सकते हो. बट रेड ब्लड सेल्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो रेड पिगमेंटेशन है वो किस वजह से होती है. किस वजह से होती है? हीमोग्लोबिन की वजह से होती है. और ऑक्सीजन से बाइंड अप, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंड अप करना क्यों जरूरी है? ताकि हमारे बॉडी पार्ट्स को अच्छे से जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल पाए. ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे को एफिशिएंटली ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. इतने पार्ट में यही पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं. ओके, सो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, ब्लड वेसल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है, सो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो छोटा सा भी, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी. ठीक है, और प्लीज ये चैप्टर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, लाइक नोट्स बना बना के, और वीडियो देखने के बाद एक बारी एनसीईआरटी जरूर रीड कर लिया करो, ताकि अगर कोई भी लाइन ऐसी छूट गई है जो इम्पोर्टेंट है, जिसका मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा, तो यू कैन आस्क. ओके, स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट.